यार खाने में स्वाद नहीं, तेरी कोई औकात नहीं जिम में। पंचा मेरा क्लाइंट तुझसे एब्स भी बनवाना है, मेरा खाना देख के तेरे को भूख लगी? ओ ये तो डाइट वाला खाना है। टी शर्ट तेरी खुली, छोटी तेरी लुली, गो बैक टू गली। हर रोज खाते सोया चाकू ऐसे वेट को ना नाप, टी शर्ट पे चटनियों के दाग, मुंह में मोमो फेंकी नाक। कितना कितना पैसा खर्चा कर रहा हूँ इसके प्रोटीन पर, ये डाइट फॉलो कर रहा है, ये रंडापा कर रहा है ये। अपनी बार से अगर चाइनीज बहन पर देख लिया ना, फिर देखियो आएगा। सारे जितने मोटू तोंदू हैं सबके सब होके हालत ऐसी, टट्टी मिलेगी टट्टी खाएंगे। तो जा पहले किसी की टट्टी चुरा उसे खा, तब जाके बनेंगे ऐसे चूजर तोंद। सख्त कुछ भी नहीं, सब नरम ही नरम है, अंगार है, आलू के पराठे साथ में चटनी और अचार है। खड़ा हूँ भूखा पेट है मुझको कुछ तो टूस ना, खाली पेट रह के मेरा होगा वेट लूज ना। साइज खा लूंगा जो गिर चुका जमीन पे, खाना हुआ खत्म तो पेट भर लूं मीठी खीर से। लाख रैप्स हो पर साथ मां का चार है, बटर चिकन तुम आज ही खा लो कल तो मंगलवार है। आठ हर सुबह छह रात को मैं खाऊंगा, काट दो पिज्जा को मैं पेट में ले जाऊंगा। दांत था टूटा तब सूप मेरे साथ था, टाइट चोदने में मेरे फ्राइज का ही हाथ था। मोटा पेट में लाइक चाट को पार दूँ, खत्म मेरे भटूरे चाके दूसरी तू प्लेट ला। स्विगी रब मेरा, जोमेटो मेरी माँ चुका, लड़का फूडी मैं खिलाने पे सब खा चुका। भूखा इतना हूँ कि छीन के भी खा लूँ तुमसे, पराठे पेट में और प्लेट में पड़े समोसे। नोक करता कब से खोल ये दुकान, दो खाने को गरम करो और ठंडा मीठा पान दो। मुंह को खोलो और उठाओ अपने दांत तुम, असली फास्ट फूड मैं खिलाऊं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, असली फास्ट फूड मैं खिलाऊं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, टेस्टी जंक फूड से फुलाऊं हिंदुस्तान को, खा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस सर, आज गेमिंग के मकसद पे कुछ बात करनी है आप सभी लोगों से, और बहुत सारी बात करनी है आज के इस वीडियो में। तो ये वाली वीडियो आप सभी लोग मेरे भाई लास्ट तक देखते रहना। और सबसे पहले तो भाई आपको आज की इस वीडियो का इंट्रो कैसे लगा ये मेरे को कमेंट करके बता दो। तो अब थोड़ी बहुत गेम की बात कर लेते हैं, और ये वाली वीडियो को आपको पूरी देखना है क्योंकि इस वीडियो में कुछ बात भी करनी है आपसे, और मैं वो वीडियो के कहीं पर भी मतलब पूछूंगा आप सभी लोगों से, आप मेरे को बता देना। और थोड़े बहुत मतलब कुछ बात है, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा, तो वीडियो आप पूरी ही देखना। तो अभी देखो हम यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रीमोर्स उतर गए थे, और पता नहीं मेरा प्लेयर किस तरह से एकदम से लेट जाता है ज़मीन पर। तो कोई बात नहीं, आज मतलब डायरेक्टली तुम्हारा भाई कूद गया था गेम के अंदर। हमने सोचा कि भाई डायरेक्ट कूदते यहाँ पर, कम से कम कोई हैकर तो नहीं आएगा, और इजीली थोड़े बहुत फिनिशेस लेकर के यहाँ से हम निकल सकते हैं। पर लेकिन मेरे भाई हर बार की तरह हैकर इस वाले गेम में भी आ ही जाता है, और यहाँ पर जिस तरह से सामने की तरफ एक बंदा उसी से नोक हुआ था ना, मेरे को पूरा 110% कन्फर्म हो गया था कि वो हैकर ने एक बंदे को नोक किया है। पर लेकिन मैंने उस बंदे का किल चुरा लिया था, तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास हेलमेट वेस्ट नहीं थी बिल्कुल भी, पर यहाँ पर आने पर मेरे को एक लेवल 1 का तो हेलमेट मिल जाता है। सो गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़े बहुत हमने प्रीमोर्स के अंदर ठीक ठाक लूट कर ली थी, काम चलाने वाली लूट कर ली थी हमने यहाँ पे। और गाइस सामने की तरफ कुछ बंदे थे जो कि फाइट ले रहे थे एक दूसरे से, तो मैं ऊपर की तरफ पाता हूँ थोड़ा बहुत, और टीममेट के लिए मैंने मार्क लगा दिया था क्योंकि मेरे को राइट की तरफ से फुटस्टेप आ रहे थे बंदे के आने के। एंड गाइस सर मैंने सामने की तरफ एक बंदे को बहुत ज़्यादा गंदा वाला डैमेज दिया था, और एक गोली मैंने उसको और कनेक्ट कर दी थी वहाँ पर, लेकिन वो बंदा नोक नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, अगर कंटेंट में कुछ आप सभी लोगों को कमी लग रही है तो मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर से बताया करो। तो ये बात आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बात बतानी होगी तभी कुछ अच्छा हम कॉन्टेंट में सुधार ला पाएंगे। और कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप मेरे को ज़रूर से बताया करो मेरे भाई, प्लीज़ भाई, ये आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी वाली रिक्वेस्ट है। तो अभी देखो यहाँ पर हम होल्ड कर रहे थे आराम से क्योंकि हैकर के डर की वजह से, पर लेकिन देखो सामने की तरफ एक हैकर था और मैं उसके सामने टीम अप कर रहा था। वो देखा होगा आपने किल फीड में SID कुछ करके उस बंदे का नाम, उसने एक स्प्रे में पूरी डो फिनिश कर दी।
तो कोई बात नहीं, अब देखो बात आ जाती है वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप सभी लोगों से करने वाला था। तो देखो आप सभी लोगों को पता है कि BGIS एक टूर्नामेंट आ रही है BGMI की। तो देखो यार मैंने और मेरे दोस्त है एक बच्चा नाम का, तो उसने मिलकर के हमने सोचा कि भाई हम BGIS खेले और मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ उखाड़ने की ट्राई करें। तो हमने इसीलिए भाई 2-3 बंदों को ट्राई भी किया था, पर लेकिन वो बंदे जो थे वो स्किल से अच्छे थे पर लेकिन सीरियस गेम प्ले नहीं था उनका बिल्कुल भी। तो इसीलिए भाई हमने उन बंदों को टीम से बाहर कर दिया। तो हमको गाइस सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, हमको सिर्फ 2 बंदों की ज़रूरत है, और आप चाहते हो अगर हमारे साथ मतलब BGIS खेलना तो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ थोड़ी बहुत। आपके पास एक 60 FPS वाला डिवाइस होना ही होना चाहिए, और आपको एक सीज़न का कॉन्करर वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो आपको पेशेंस आता है ना, पेशेंस जो सीखने के लिए मिलता है आपको कॉन्करर में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो आपको सिंपल एक काम करना है, मैं ये स्क्रीन पर एक ID दिखा रहा हूँ आपको, कैरेक्टर ID, आपको ये इस ID पर जाना है और रिक्वेस्ट भेज देनी है, और उसमें नीचे कुछ लिख देना है फॉर BGIS ऐसा कुछ करके रिक्वेस्ट भेज देनी है आपको। और यहाँ पर ये जो बंदा होगा वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मतलब थोड़ा बहुत हम मिलेंगे आपस में और एक साथ कुछ गेम्स खेलेंगे, और आपका मतलब रूम के साथ मतलब रूम भी खेलूँगा मैं आप सभी लोगों के साथ, और मतलब जो भी बंदे ID मतलब रिक्वेस्ट भेजेंगे उन बंदों के साथ पूरा खेलेंगे, और जो बंदा भी सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा उस बंदे को हम टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप चाहो तो आप अपने टीममेट को ही बुला सकते हो, या फिर आप चाहते हो आपका कोई दोस्त हो जिसके साथ आपका टीम मतलब टीम कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको भी बुला सकते हो, मतलब आप लेकर के आ सकते हो उसको भी, हम मतलब आप दोनों को ट्राई करेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो हम आपके साथ मतलब BGIS खेलेंगे। तो अभी देखो सामने की तरफ एक बंदा था ओपन में, और इस बंदे का इंटरनेट बहुत ज़्यादा गंदा वाला लैग कर रहा था। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ फिर से, हमको सिर्फ सीरियस प्लेयर्स चाहिए जो कि सीरियसली गेम को खेले मेरे भाई। तो सामने की तरफ अबे ये जो बंदा था ये ब्रोकन वॉल के पीछे चला गया था, मतलब अभी शायद से जहाँ तक मेरे को लग रहा था ये जो बंदा जिसको मैंने नॉक करा था ये हैकर का टीममेट था। तो कोई बात नहीं, आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आपको आप मतलब सीरियस प्लेयर होना चाहिए, सीरियसली गेम को खेलता हूँ, कोई फालतू की मैं नहीं बोलूँगा ये बात। तो आप मतलब अगर आप ये चीज़ है आपके अंदर और आपके पास अच्छा डिवाइस है, आपको अच्छे से गेम खेलना आता है, तो मैंने आपको एक कैरेक्टर ID दिखाई थी पीछे स्क्रीन पे, आप उस ID पर रिक्वेस्ट भेजो, हम आपस में खेलेंगे एक साथ, टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो ज़रूर से हम BGIS खेलेंगे, और आपके साथ रूम का भी टेस्ट मैं करूँगा मेरे भाई। तो अब देखो थोड़ी बात कर लेते हैं अभी इस गेम की। तो यहाँ पर मेरे 2 किल्स हो गए थे, मतलब दोनों ही बंदे मैंने रियल मारे थे, और क्या ही चाहिए भाई ज़िंदगी के अंदर। अभी देखो हम यहाँ पर होल्ड कर रखे थे आराम से, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करो, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो आप सभी लोगों को अभी तक ये वीडियो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर खैर मेरा थोड़ा बहुत डिवाइस लैग होने लग गया K20 Pro भी, तो कोई बात नहीं। अभी देखो सामने की तरफ एक बंदा था जो कि मतलब बंदा नहीं बोट था, तो भाई देखो सामने की तरफ जैसे ही बंदे को मैं नोक करता हूँ तभी उसको हम फिनिश भी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एक हैकर है, मतलब वो हमारा खेलना चुरा ले सिर्फ इस डर की वजह से। तभी गाइस सामने की तरफ से एक ये और बोट आ जाता है, तो इस वाले बोट को भी फिनिश कर दिया था हमने, और यहाँ पर हम सोच रहे थे हैकर के साथ टीम अप करके उसको धोखे से मार देंगे, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए जैसा मैं आपको बोलता हूँ। पर लेकिन देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने वाला है मेरे ऊपर, क्योंकि हम बहुत गंदे मरने वाले हैं यहाँ पे। देखो हम उसके सामने टीम अप कर रहे थे, उछल रहे थे उसके सामने, और वो हैकर यहाँ पर आ करके हम दोनों को फिनिश कर देगा। सो गाइस आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट कर बताओ, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो और कमेंट तो कर ही दो मेरे भाई, और वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, और आपको पता है हैकर की वजह से कॉन्टेंट नहीं मिल पा रहा है अच्छा, मतलब किल्स नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं स्क्वाड का भी मोंटेज ऐड कर देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आपको मैंने जो बोला था वो आप ज़रूर से मतलब बताना मेरे को, और बताना कि रिक्वेस्ट भेज देना उस ID पर, आपको रिक्वेस्ट भेजनी है नीचे लिखना है फॉर BGIS ऐसा कुछ करके लिख देना है।